News 18, India. और इस बीच बड़ी खबर, शारजा शेख के ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड पड़ी है। शारजा शेख के 6 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की टीम रेड कर रही है। तो ये एक मुख्य आरोपी है जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है और लगातार पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी शारजा शेख अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन अब उसके जो ठिकाने हैं वहां ईडी की टीम रेड कर रही है और 6 से ज्यादा ठिकाने जो हैं वहां एक साथ इस वक्त रेड डाली जा रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से। अब उसको दबोचने की तैयारी है और उसके जो ठिकाने हैं उन तक अब ईडी की टीम पहुंची है और लगातार छापेमारी हो रही है। 6 से ज्यादा ठिकाने हैं। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। आनंद, अब शारजा शेख के जो ठिकाने हैं उन पर रेड चल रही है ईडी की तरफ से। जी देखिए बिल्कुल पंकज, एक और जो ईसीआईआर है, एक और जो केस है वो ईडी ने दर्ज कर लिया है शारजा शेख के खिलाफ, और इसको लेकर ही पश्चिम बंगाल में 6 जगहों पर सुबह से ही ईडी की जो रेड है वो लगातार जारी है। ये नया केस जो है ये ईडी ने दर्ज किया है, जिसमें जमीन कब्जाने से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। शारजा शेख के खिलाफ पहले से ही एनओसी खुली हुई है और लगातार कई एजेंसियां जो है वो उसकी तलाश कर रही है। उसके जो मछली व्यवसाय है उसके भी कई लिंक जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिले हैं, जिसको लेकर लगातार ये बड़ी सर्च ऑपरेशन, बड़ी रेड जो है आज पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से जारी है। क्या इस 6 ठिकानों के अलावा और भी कुछ ठिकाने हैं जहां ये रेड होगी, कुछ इस बारे में जानकारी? जी देखिए पंकज, अब तक जो ईडी सूत्रों से जानकारी मिली है कि पश्चिम बंगाल के 6 ठिकाने जिसमें कि जो शारजा शेख है उसके उसके दफ्तर है, उनसे जुड़े एसोसिएट के ठिकाने हैं, कई ऑफिसेस हैं, वो तमाम चीजें जो है ईडी के रडार पर है, जिसको लेकर ही मनी लॉन्ड्रिंग का नया मुकदमा दर्ज किया गया, जमीन हड़पने का, जमीन कब्जाने का, और जिसको लेकर लगातार रेड जारी है। देर शाम तक ईडी की तरफ से कुछ आधिकारिक बयान इस पर आने की। आनंद तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इन्फॉर्मेशन के लिए, इस अपडेट के लिए आपका। और जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग में एवलांच की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। बर्फीले तूफान में 8 लोग फंस गए थे, जिनमें एक लोकल गाइड भी शामिल था। एवलांच में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला और फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। इस एवलांच में फंसे 7 लोगों का रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है, जिन्हें बाद में इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया, लेकिन एक शख्स की इस एवलांच के आने से, उसमें फंसने से मौत हो गई। तो गुलमर्ग में जहां विंटर एक तरह से गेम्स चल रही हैं, रिफत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, एक शख्स की मौत की खबर है, आप भी उस रेस्क्यू टीम में गए थे, जरा बताएं क्या कुछ हुआ वहां? देखिए पंकज, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और उसमें एक रशियन स्क्वायर की मौत हुई, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन क्विकली लॉन्च किया गया विद इन 15 मिनट्स। उसमें भारतीय सेना थी, यहाँ की स्की पेट्रोल की टीम थी, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, टूरिज्म डिपार्टमेंट, बाकी पुलिस के लोग, उन्होंने क्विकली रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मैं दिखाना चाहूंगा जो हमें दर्शक देख रहे हैं, ये वो स्पॉट है जहाँ पे ये सारा कुछ हुआ, यानी ये जो है यहाँ पे ये एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे ये सब कुछ हुआ। ये एग्जैक्टली यहाँ पे हम कल थे। आपको मैं पहले जूम आउट करके दिखाने की कोशिश करूंगा, देखिए ये कितनी दूर है और न्यूज 18 इंडिया की टीम कहाँ पहुंची थी। तो यहाँ पे एक्चुअली इस पहाड़ पे बहुत ज्यादा बर्फ थी, ये पहाड़ से बर्फ खिसक गई और यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट का ग्रुप था जो इसकी जद में आ गए, और उसके बाद फौरन ऑपरेशन लॉन्च किया गया और यहाँ पे बाकी लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक फॉरेन स्कीयर की डेथ हुई। बिल्कुल, और रिफत ऐसे में बड़ा चैलेंज होता है इस तरह का, जब एवलांच आए तो रेस्क्यू करना, तो सेना ने सराहनीय काम किया और काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा, काफी चैलेंजिंग रहा होगा ये रेस्क्यू करना। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, देखिए ये गुलमर्ग वादी है, बर्फ से ढकी हुई है, नीचे तकरीबन 4 से 5 फीट बर्फ है, लेकिन ये जो टॉप आप देख रहे हैं पंकज, ये माउंटेन जो है ये अपरवट माउंटेन है और यहाँ पे 10 फीट बर्फ ऊपर है, और जब स्नो एवलांच इन दर्रों में आ जाता है 40 से 50 फीट बर्फ की डेप्थ रहती है और उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करना कोई आसान काम नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये दर्रा, यही वो दर्रा है जहां पे ये स्नो एवलांच आया था, बिल्कुल एग्जैक्ट वही स्पॉट है। तो यहाँ पर ही रेस्क्यू ऑपरेशन भारतीय सेना ने, सिक्की पेट्रोल ने, टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों ने, जीडीए के लोगों ने लगाया और 15 मिनट में कोई कोऑपरेशन कर दिया गया और उसकी वजह से बाकी लोग बच गए। ये जूम आउट करके आप देख सकते हैं ये कितनी दूर का एरिया है, और जब मैं यहाँ उस स्पॉट पे था मैं भी क्विकली यहाँ पे पहुंचा और उसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और हमने दर्शकों तक जो है सारी डिटेल पहुंचाई। तो ये ऑपरेशन जो है काफी देर तक चला, लेकिन
बिल्कुल, तो 7 लोगों को बचा लिया गया जैसा कि रिफत बता रहे हैं। एक शख्स की मौत हुई, एवलांच अचानक से आया गुलमर्ग जहां विंटर गेम्स का आयोजन हुआ है, स्कीइंग का वहां पर चल रहा है इस वक्त विंटर गेम्स के तहत, तो वहां पर ये दुखद हादसा हुआ, इसमें एक शख्स की मौत हुई। बल्कि अच्छी बात ये रही कि 7 लोगों को बचा लिया गया रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद। बड़ी खबर, गजवा हिंद पर फतवा देकर दारुल उलूम विवादों में घिर गया है। हिंदूवादी संगठन के साथ साथ ही सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी दारुल उलूम पर एक्शन लेने की मांग कर दी। वीएचपी के विनोद बंसल ने दारुल उलूम देवबंद पर एफआईआर दर्ज कर इसे बंद करने की मांग कर दी है। उन्होंने दारुल उलूम को आतंकवादियों को पालने वाली संस्था बतला दिया। यही नहीं, दारुल उलूम पर भारत के खिलाफ साजिश रचने का भी विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया है। आतंकवाद की जननी है दारुल उलूम, ये कह दिया गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, और एफआईआर दर्ज हो, ये तमाम मदरसे जो हैं वो सील हो, और हिंदू विरोधी कह दिया गया है, देश विरोधी कह दिया गया है दारुल उलूम को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सख्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कार्रवाई करे, ये कहा गया। इस पर अविलंब कार्रवाई जरूरी है, नहीं तो ये विश्वमन करने वाले सांप जाने कितनों को निगल जाएंगे। जिसको इस्लाम के अनुसार से लेजिटिमाइट कर रहे हैं वही भारत के कानून के हिसाब से देशद्रोह है। इसके परिभाषा को इनको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और उनकी भाषा पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। इस तरह के अनेक फतवे इन्होंने पास्ट में भी जारी किए हैं। ये आतंक की जननी इस संस्था को पर प्रतिबंध अविलंब जरूरी है। न केवल हिंदुस्तान को बल्कि पूरे दुनिया को ये लोग और ये जो है इस्लामीकरण करना चाहते हैं। इनके आतंकवादियों तो संपर्क संबंध पहले भी मिले हैं, कई बार जांच में एक खुलासा हो चुका है, और इस प्रकार का जो ये एक पत्र और बाल संरक्षण आयोग की ओर से ये जारी किया गया है एफआईआर दर्ज करने के लिए, तुरंत दारुल उलूम के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और दारुल उलूम पर केवल एफआईआर दर्ज ना हो, दारुल उलूम पर ताला लगना चाहिए, ये हमारी मांग थी, और ये भी फिर पुनः उस मांग को दोहराते हैं। तो बजरंग दल को आपने सुना, विश्व हिंदू परिषद को सुना, दारुल उलूम पर ताला लगना चाहिए, साफ साफ उन्होंने ऐलान कर दिया। दारुल उलूम के गजवा हिंद को मान्यता देने वाले फतवे पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने डीएम को खत लिखकर एफआईआर दर्ज करने का लिए कहा है। निर्देश आने के बाद सहारनपुर के जिलाधिकारी ने एसडीएम और सीओ देवबंद को एक्शन लेने के लिए कहा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने दारुल उलूम के गजवा हिंद पर दिए फतवे को देश विरोधी बतला दिया है। दारुल उलूम के फतवे में गजवा हिंद का महिमा मंडन करने का भी आरोप है। हजारों मदरसे दारुल उलूम देवबंद से रिलीजियस एकेडमिक एफिलिएशन लेते हैं जो इनके बताए रास्ते पर चलते हैं। दारुल उलूम ने एक फतवा जारी किया है, उस फतवे में उन्होंने गजवाए हिंद को ग्लोरीफाई किया है, लिजिटिमाइज किया है। उन्होंने ये बोला कि गजवाए हिंद के दौरान यानी भारत पर आक्रमण करने के दौरान यदि कोई मारा जाता है तो वो सर्वोच्च शहीद कहलाएगा, वो जन्नती होगा। ये संस्था पिछले 150 साल से इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त रही है। NCPCR ने ये आदेश दिए हैं कि ये अगेंस्ट है, बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय NCPC का एक आर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है, साथ ही जिसके क्रम में CO और SDM देवन उसकी तस्दीक करके और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी दारुल उलूम के फतवे के विरोध में आ गए हैं। जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष खारी अबरार हैं, इन्होंने कहा कि इस तरह का फतवा सिर्फ सियासत का ही हिस्सा है। इतनी खूबसूरत गंगा जमुना तहजीब जैसी मिसाल वाले देश के अंदर इस तरह के फतवों का वायरल होना और उस पर सियासी रोकी सेकना, ये देश को नुकसान पहुंचाना, देश की तरक्की को, राष्ट्र की तरक्की को नुकसान पहुंचाना, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता।